नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अक्षय तृतीया की व्रत कथा और इसकी पूजन विधि लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। धर्मदास का परिवार बहुत बड़ा था। धर्मदास के ऊपर सारे परिवार की जिम्मेदारी थी। वह वृद्धा अवस्था में भी अपने परिवारजनों की चिंता करता था। अपने नाम के अनुसार वह धर्म पुण्य पूजा पाठ आदि करता रहता था। एक समय धर्मदास को किसी ने बताया कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन किया गया दान पुण्य पूजा पाठ आदि अक्षय यानी जिसका नाश ना हो सके ऐसा होकर प्राप्त होता है। इसके बाद से धर्मदास हर वर्ष अक्षय तृतीया के दिन स्नान दान आदि कर अपने पितरों का तर्पण करने लगा, पूजा पाठ करने लगा और ब्राह्मणों को दान आदि करने लगा। उसकी पत्नी धर्मदास के पूजन पाठ और दान से बहुत परेशान थी। वो उसे बहुत मना करती, आपकी अवस्था व्रत स्नान आदि करने की नहीं है। परंतु वह अपने परिवार की चिंता से हर वर्ष अक्षय तृतीया का स्नान और पूजन करता रहा। कुछ समय पश्चात धर्मदास की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में धर्मदास द्वारकापुरी के कुशावती नगर का राजा बना। ऐसी मान्यता है कि पूर्व जन्म में किए गए अक्षय तृतीया के व्रत दान पुण्य आदि के प्रभाव से धर्मदास को राजा बनने का सौभाग्य मिला।